हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सारी विटामिन्स एंड उनके द्वारा जो भी डेफिशिएंसी डिजीजेस की जाती हैं, एज वेल एज विटामिन्स का नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, वो सारा देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेफिशिएंसी डिजीज जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं उनके ऊपर भी एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं, और अब की बार एक एमसीक्यू जरूर आएगा। सो आपको डेफिशिएंसी डिजीज देख लेनी है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 5 to 7 मिनट की वीडियो के अंदर आपका एक मार्क्स अगर बन रहा है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फैट सोल्यूबल कौन कौन सी होती हैं? ए डी ई के, ये जो होती हैं ये सारी फैट सोल्यूबल होती हैं और ये सारी लेयर के अंदर स्टोर होती हैं। वहीं जो पानी में सोल्यूबल होती हैं वो होती हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी इसके अंदर जितने भी विटामिन आती हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, वो सारी, और विटामिन सी, ये हैं सारी पानी में सोल्यूबल। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो बी सी है विटामिन वो पानी में सोल्यूबल है और बाकी जो रह गई वो फैट में सोल्यूबल है। अभी हम देखते हैं विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। विटामिन ए रेटिनोल बोलते हैं और ये कोज करता है हमारे अंदर नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखें विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल, और ये हमें कॉज करेगा रिकेटस। इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर ये रिकेटस कोज करता है, वहीं एडल्ट ऑस्टियोमेलिका कोज करता है। रिकेटस के अंदर पैर ऐसे तिरछे हो जाते हैं, वहीं ऑस्टियोमेलिसिया के अंदर क्या होता है कि बोन्स में डेंसिटी कम हो जाती है कैल्शियम की, वो एकदम थिन हो जाती है, थोड़े झटका लगते हुए टूट जाती हैं। विटामिन ई, जिसे हम प्यूटी या एंटी फर्टिलिटी हॉर्मोन भी बोलते हैं, इसके डेफिशिएंसी से हमें डिजीज होगी स्टरलिटी। नेक्स्ट है विटामिन के, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, और अगर इसकी कमी हो जाए तो, अगर इसकी कमी है और हमारे थोड़ा सा भी ऐसे लग जाता है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, क्लॉट नहीं बनता है, खून का थक्का नहीं जमता है, तो क्लॉट नहीं बनेगा तो उस डिजीज को हम बोलेंगे हेमरेज। सो नेक्स्ट देखिए विटामिन सी, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये ना मोस्टली किसमें मिलती है, संतरे के अंदर मिलती है, और संतरे में पानी होता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विटामिन सी जो है वो पानी में सोल्यूबल है, और विटामिन बी भी उसके साथ ही है। अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर जाके बीएससी करेंगे तो बीएससी, तो एस को स्किप कर देना, बीसी, ये जो दोनों हैं ये पानी में सोल्यूबल हैं। सो जो सी विटामिन है उसको हम नाम देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखना, इसका क्वेश्चन जो है उसको पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, विटामिन सी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, हो सकता है यही आ जाए। इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी डिजीज़ है स्कर्वी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो और बाकी चीज़ें हैं कि ये किससे मिलता है, क्या होता है, ये जो है ये सिर्फ आपके रीड करने के लिए हैं, जो मेन चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। जो विटामिन बी वन है उसका नेम होता है थायमिन। आपको ये जो विटामिन के टाइप्स करवा रही हूँ मैं, इनमें इनके नाम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट देख लेना क्योंकि ये भी आ सकते हैं। विटामिन बी वन है, इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेरी कोच करता है हमें। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन बी की कमी से क्या होता है, कोई बी वन बी टू कुछ नहीं दिया तो भी आपको बेरी ही बताना है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, नर्व्स काम नहीं करती है हमारे। विटामिन बी टू, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, और ये कोज करता है चिलेसिस, जिससे हमारे गम्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, और कई बार होठ जो साइड से फट जाते हैं, आपने कई बार सुना होगा झूठ आई है, वो क्या होता है, विटामिन बी टू की कमी होती है उसके अंदर। अभी हम देखते हैं विटामिन बी थ्री जो है उसका साइंटिफिक नेम है नियासिन, और इसकी वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी जहाँ पे भी डर्मा होता है ना, उसका मतलब आपका स्किन ही होता है, तो डर्मेटाइटिस, जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो बी थ्री के कारण होती है। देन विटामिन बी फाइव पेंटाथेनिक एसिड, ये है, ये बर्निंग फिट डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट देखें विटामिन बी सिक्स पायरोडॉक्सिन, ये मॉर्निंग सिकनेस कोज करता है। विटामिन बी सेवन, जिसे हम बायोटिन भी बोलते हैं, ये डर्मेटिक सेन की वही स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोज करता है। देन विटामिन बी नाइन ये होम्योपोइसिस में हेल्प करता है, यानी कि हमारे अंदर ब्लड बनाने में हेल्प करता है, और इसी का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन बी नाइन का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड, और अगर यदि ये हमारे अंदर नहीं है, इसकी कमी है, तो खून नहीं बनेगा। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, हीमोपोइसिस यानी कि खून बनाना, और अगर वही ये नहीं होगा तो ये खून नहीं बनेगा, इसका मतलब कि एनीमिया हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन बी ट्वेल्व वेरी मच इंपॉर्टेंट, जितने भी हमने विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के पढ़े हैं, B1, B2, B5 जो भी पढ़े हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, और इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है साइनेकोबल अमाइन,
ये जो है ये ईलियम के अंदर अब्जॉर्ब होता है, यानी कि ये वैसे बायो वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईलियम के अंदर अब्जॉर्ब होता है. आपको केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो हीमोपोइसिस यानी कि खून बनाने में हमारी हेल्प करता है, और अगर दी ये नहीं है तो फिर हमें अनीमिया कोज होगा, पर्टनीसियश अनीमिया कोज होगा. सो ये आपको याद रखना है. मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैट सोलबल कौन सा है, पानी में सोलबल कौन सा है. अभी आप क्या करेंगे, बीएससी करेंगे, तो फिर बीएससी बी और सी जो है वो पानी में सोलबल हैं और बाकी जो बच गई वो सारी फैट में सोलबल हैं. फिर विटामिन ए रेनिटोल नाइट ब्लाइंडनेस कोज करेगा, विटामिन डी रिकेटस कोज करेगा, विटामिन ई इनफर्टिलिटी कोज करेगा, और विटामिन के हेमरेज कोज करता है. वहीं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और ये कोज करेगा स्कर्वी, और विटामिन बी बेरी बेरी कोज करता है. एंड विटामिन बी ट्वेल्व अगर स्पेशली पूछा जाए तो ये कोज करेगा पर्निशियस एनीमिया. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.